नमस्कार जोहार दोस्तों बस्तरवासियों, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम आपको दिखा रहे हैं नासिक दर्शन सीरीज़, और नासिक दर्शन सीरीज़ का यह भाग 10 होगा। इससे पहले हमने आपको दिखाया एलोरा में स्थित गुफा संख्या 16, जिसे कैलाशनाथ मंदिर कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत उत्कीर्ण मंदिर हैं ये, और ऐतिहासिक रूप से लगभग 1500 वर्ष पूर्व के हैं। मैं आपको एक और ऐतिहासिक इमारत दिखाने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो उसे दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम आपको ले चल रहे हैं औरंगाबाद शहर की ओर। औरंगाबाद शहर में यह स्थित है। अभी हम उसके बाहर वेरुल ग्राम में हैं। आगे हम जाएंगे और एक अजंता श्रेणी की पहाड़ियों को पार करके हम नीचे जब उतरेंगे तो हमें दौलताबाद मिलेगा। दौलताबाद काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं वहाँ ले जाऊँगा नहीं, लेकिन वहाँ पर बहुत ख्यातिलब्ध जगह है, उसके बारे में बताऊँगा। और उसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊँगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हैं लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दे तो बहुत अच्छी बात होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो को और विस्तृत जानकारी देता हूँ मैं आपको बीबी के मकबरे के बारे में। अब हम खूबसूरत पहाड़ी ढलानों से होते हुए औरंगाबाद की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद से पहले हमें मिलेगा दौलताबाद। दौलताबाद अर्थात देवगिरी। देवगिरी एक प्राचीन नगर था जो कि यादव राजाओं द्वारा बसाया गया था। उससे पूर्व इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता था, पर देवगिरी का जो किला है वो भारत का के एक प्रमुख अविजय किलों में से शामिल है। यह शंक्वाकार पहाड़ी पर स्थित है, जो कि आगे हमें दिख रहा है। जैसे कि शंक्वाकार पहाड़ी पर सबसे ऊपर किला है। किला बहुत कम बार हुआ है कि यहाँ के राजा को पराजय झेलनी पड़ी है। उसका भी कारण रहा है कि पानी और रसद की कमी होने के कारण। ये किला यादव राजा भिल्लम द्वारा बनाया गया था, और बाद में इसे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी आदि अलग अलग राजाओं द्वारा जीता गया, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद इसका नामकरण किया गया था और अपनी राजधानी बनाई गई थी, जिसे एक तुगलकी फरमान भी कहा जाता है, जो कि मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे चल के 1633 के आसपास मुगल सेनाओं ने इसे जीत लिया था, और यहीं पास में औरंगाबाद की स्थापना औरंगजेब ने की थी। तो ये खूबसूरत किला है, अगर कभी औरंगाबाद विस्तार से घूमने आए तो यहाँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम जा रहे हैं औरंगाबाद शहर में। देवगिरी साम्राज्य, जो कि अविजय था, उसके मशहूर किले को देखते हुए, खूबसूरत किले को देखते हुए हम जा रहे हैं औरंगाबाद शहर की ओर। औरंगाबाद जो शहर है वह 52 दरवाजों का नगर कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर प्राचीन काल में 52 दरवाजे बनाए गए थे। अब प्रत्येक दरवाज़ा एक खूबसूरत और अपना महत्व रखता था। उसमें से एक दरवाजे से हम प्रवेश कर रहे हैं औरंगाबाद शहर में। औरंगाबाद शहर की स्थापना 1653 ईस्वी में शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब द्वारा की गई थी, जिसे कि दक्कन का राज्यपाल और शाहजहाँ द्वारा नियुक्त किया गया था। उसी ने औरंगाबाद की स्थापना की थी। इसका पूर्व नाम फतेहनगर था। वैसे तो प्राचीन काल से यहाँ पे राजधानी ही रही है, जैसे सातवाहन काल में भी थी, और उसके बाद के अन्य काल में यादव राजवंशों ने, जो कि बाद में कृष्णदेव राय के पूर्वज थे, वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य स्थापना की थी। उनकी भी राजधानी देवगिरी के रूप में थी। अलग अलग राजाओं की राजधानी रही है, पर औरंगजेब ने इस स्थान पर अपने नाम से औरंगाबाद नगर की स्थापना की, और वहाँ पे अपनी बेगम के लिए खूबसूरत किले का नामकरण कराया, जिसका नाम था बीबी का मकबरा। औरंगाबाद महाराष्ट्र का पांचवा बड़ा शहर है, जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 11.5 लाख आबादी है। वर्तमान में लगभग 20 लाख लोग इस नगर में रहते हैं। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का पांचवा बड़ा शहर है, उसकी खूबसूरत सड़कों से होते हुए हम बढ़ रहे हैं बीबी की मकबरे की ओर। बीबी का मकबरा जो अहमदाबाद शहर का एक प्रमुख आकर्षण है। इसका निर्माण 1657 से 1661 के बीच औरंगजेब द्वारा अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की स्मृति में कराया गया था, और उसकी देखरेख करी थी उसके पुत्र आजम शाह द्वारा। यह जो इमारत है आपको देखने में एक तरीके से दूर से ताजमहल के सदृश प्रतीत होती है, पर वास्तव में यह ताजमहल के जैसे बनाने की कोशिश की गई है। स्थानीय लोग इसे ताजमहल के नाम से भी पुकारते हैं, गाइड भी आपको ताजमहल के नाम से इसे बताएंगे। पर देखा जाए, कई सारे इतिहासकार, कई सारे लोग, और मुझे खुद भी ऐसा लगा कि यह ताजमहल की एक फूहड़ नकल है। ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। यहाँ संगमरमर सिर्फ गुंबदों में लगी है, नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस या जो भी लगा है चूना ऊना, उसके द्वारा इसे सफ़ेदी दी गई है, जो कि काला पड़ चुका है समय के थपेड़ों के साथ। इसका निर्माण ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र अताउल्लाह लाहौरी ही इसके मुख्य वास्तुकार थे, उन्हीं के देखरेख में यह निर्माण हुआ है। पर क्योंकि पैसे की कमी, औरंगजेब द्वारा अत्यधिक
युद्ध करने के कारण राज्य में आर्थिक संरचना गड़बड़ा गई थी और पैसे की कमी थी, उसके कारण से संगमरमर व्यापक रूप से इन्हें नहीं मिल पाए। साथ ही राजपुताना राजाओं के द्वारा इनका संपर्क भी अच्छा नहीं था, इसलिए भी अच्छे संगमरमर इनको नहीं मिल पाए थे। वह रचना में कमी हमें दिखती है। मैंने आपको कहा था कि जो भी एलोरा की गुफाओं में आप देखें उसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर आएंगे एलोरा की गुफाओं में जो भी उत्कीर्ण किए गए हैं दृश्य, काफ़ी सुंदर सुंदर, काफ़ी मेहनत की गई, ऐसा कुछ नहीं है, सादा सिंपल एक इमारत ईंट गारे के साथ बना दी गई है। हाँ, ये ज़रूर था कि औरंगजेब का जो लक्ष्य था वो ताजमहल अपने पिता के बराबरी करना, जो कि वह भी वह ढंग से नहीं कर पाया है, लेकिन एक पर्यटन आकर्षण है क्योंकि 1653 में लगभग 400 वर्ष 350 वर्ष पूर्व की इमारत है, तो एक पर्यटन आकर्षण है और उस लिहाज से हम इसे देख सकते हैं। पर कहीं से भी एक बहुत महान इमारत के रूप में मुझे नहीं नजर आ रही है, लेकिन ठीक है। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो नया है सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दे तो बहुत अच्छी बात होती। मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। मिलते हैं अगली वीडियो में।